मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं एक मूवी की शूटिंग पे जिसमें दिशा पटानी, आदित्य रॉय कपूर और अनिल कपूर और कुणाल के मुँह हैं। अगर आप लोगों को मूवी पता चल चुकी है वो मुझे कमेंट करके बताओ। और अभी टाइम हो रहा है गाइस, अभी टाइम हो रहा है 6 o'clock एंड मेरी कैब आएगी 6:30 तक। सो हाफ एन आवर में फटाफट रेडी होते हैं। चलो फिर मैं फटाफट रेडी होता हूँ एंड देन मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, सो मैं रेडी हो चुका हूँ और मैं गाइस थोड़ा लेट हो चुका हूँ। एक्चुअली मैं सो गया था, टाइम देख रहे हो आप 7:30 हो रहे हैं। सो फटाफट भागना पड़ेगा, मेरे को 6:30 मेरे को रेडी होके रहना था। सो उन लोगों ने मेरे को अभी कैब फिर से भेजी है, फटाफट चलते हैं और फिर लोकेशन पे चल के बात करते हैं। सो गाइस, मेरा जो फ्रेंड है उसको कुछ बोलना है। यस, सो गाइस आई विल से समथिंग इन इंग्लिश, आई डोंट स्पीक हिंदी एट ऑल। द शूटिंग इज कैंसल्ड टुडे बट वी होप टू सी यू टुमारो फॉर द नेक्स्ट शूटिंग। या बी हियर ऑनलाइन, वी वेटिंग फॉर यू फॉर टुमारो। ओके गाइस, मैं ऐसी सारी वीडियोस जो भी हैं वो मैं वैसे भी पहले मैं इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ, तो अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे अभी फॉलो कर लेना, यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा और वहाँ पे मेरे सारे अपडेट्स, आप जो भी मैं व्लॉग्स के बनाता हूँ, जो भी आगे पीछे कैंसिल और ये सब कुछ, ये आपको मेरे ख्याल से 1 या 2 हफ्ते बाद ये वाला आएगा, क्योंकि गाइस अभी मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। और इससे पहले अभी मेरा एक पहले वो वाला व्लॉग आएगा जो कार वाला मैंने बनाया था, वो मैंने पोस्ट नहीं किया था, तो इससे पहले वो आएगा। अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लेना जाके, इससे प्रीवियस वाली वीडियो है वो, एंड उसके बाद ये वाली पोस्ट करूँगा। तो जो भी अपडेट्स हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, सो दैट कि आप वहाँ पे सारे अपडेट्स आपको मिल जाए। टिल देन गाइस, कल मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग, टुडे इज़ डे 2। सो मैं अभी रेडी हो चुका हूँ और अभी टाइम हो रहा है गाइस 6:30 और हाफ एन आवर में मेरी कैब आ जाएगी, देन फिर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ शूटिंग। और अगर दिशा पटानी से भी मिलने का मौका मिला तो ट्राई करूँगा मिलवाने का। ये कुछ लोकेशन है, लेक डॉ है गाइस, ये मेरी आप फर्स्ट वाली वीडियो में भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रतीक बब्बर के साथ जो मूवी करी थी उसका भी सीन यहीं पर ही शूट हुआ था। सो ये है कुछ सीन ऐसा। ये है हमारा ब्रेकफास्ट ब्रेड, ये यहाँ पे एग, और मेरा ड्रेस कोड है कंप्लीट ब्लैक। और बाकी आप सीन देखेंगे, सीन अभी बताया तो मैंने। सो गाइस, वहाँ पे दिशा पटानी है जो पिंक कलर में आपको दिख रही होगी। शूट रहता हूँ और मैं आपको अपने एक फ्रेंड से मिलवाता हूँ, एम्बर एंड शी इज़ हॉट शॉट। मैंने इसके साथ एक शूट किया था, कौन सा था वो, प्रोडिगल, प्रोडिगल राइट।
मॉरिशन शूट हम लोगों ने किया था या एक मैरिज का सीन था. मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आपको देखना है तो मैं भी लिंक डाल दूंगा, सॉरी लिंक नहीं डालूंगा मतलब इंस्टाग्राम पे कर दूंगा, वो देख लेना आप जाके. ठीक है. सो गाइस ये मेरे को थोड़ा फ्रेंच के वर्ड सिखा रही हैं. जिमैपल Mappel. The Mappel Ravi. Yes. That's is my name is Ravi. Right? My name is Ravi in French. अभी हमारा एक छोटा सा सीन हुआ है, उसी में कम से कम एक घंटा लग गया हमें करने में. So guys, मेरा शूट तो ओवर हो चुका है आज का. आज का वैसे ज़्यादा खा नहीं है, लाइक मॉर्निंग से लेकर अभी का और अब खत्म हो गया. अभी टाइम हो रहा है 11:30. तो गाइस मैं आपको बता रहा था कि जब आप खुद ही मूवी में काम कर रहे होते हो तो गाइस बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे वीडियो शूट करना, क्योंकि यू नो ऐसे अलाउ नहीं होता, क्योंकि हम लोग कुछ भी ना डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं रिगार्डिंग मूवी. सो मैं ट्राई करूँगा कभी और, जैसे कि मैं शूट पे नहीं हूँ और तब बिहाइंड द सीन्स आपको पूरी प्रॉपरली दिखा दी, क्योंकि तब परमिशन मिल जाती है. लेकिन अभी क्योंकि हम खुद ही उसमें हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है यू नो शूट करना, बट मैंने थोड़ा बहुत किया है, बट मैं आपको दिखाऊंगा. तो यार गाइस अभी तक अभी आप यकीन नहीं करोगे मैं इतना ज़्यादा यू नो कैसा फील कर रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता. मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ. मैं अभी दिशा पाटनी के साथ था और हम लोग यू नो बैठ के जनरली बिल्कुल नॉर्मली लाइक फ्रेंड्स की तरह हम लोग बातें कर रहे थे. और मैं उनको बोल रहा था कि हम लोगों को एक छोटी सी वीडियो मेरे को चाहिए अपने चैनल में लगाने के लिए. सो उन्होंने मेरे को बोला कि वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि गाइस यू नो जब हम लोग कॉस्ट्यूम में होते हैं तो हम लोग ना फोटोज़ और ये वीडियोस दे नहीं सकते ऐसे किसी को भी, क्योंकि हम लोग उसको रिवील नहीं कर सकते हैं जो हम ड्रेस पहनते हैं. तो मेरी जो ड्रेस है ये तो मेरी खुद की है, तो एज सच कुछ वो नहीं था इशू, बट जो उन्होंने पहना हुआ था उसके लिए गाइस पॉसिबल नहीं है वो. बट मैं बता नहीं सकता कि मैं उनके साथ बैठा हुआ था और लाइक लिटरली मैं उनके साथ में था, जैसे फ्रेंड्स चिल आउट करते हैं बिल्कुल वैसे बात कर रहा था. एंड देन मैंने उनको ये भी बताया कि गाइस मेरे फ्रेंड्स और मेरे सारे ज़्यादातर लोग मेरे को बोलते हैं कि मेरी शक्ल ना टाइगर श्रॉफ से मिलती है आपके बॉयफ्रेंड के साथ. सो उन्होंने को यही बोला कि लाइक यू आर नॉट इनटू एनी रिलेशनशिप. सो मैंने कहा चलो ठीक है मुझे क्या, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ आपको. तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ मेरे बाल और थोड़ी मेरी नाक जो है ना वो टाइगर की तरह लगती है, बट मेरा ओवरऑल फेस वो मेरे को बोल रही थी कि मेरा उससे मिलता है विदुत जामवाल के साथ. तो बस लेकिन गाइस मैं आपको बता नहीं सकता कि क्यों मैं उनके साथ बात कर रहा था ना लाइक फ्रेंड की तरह बिल्कुल बात करते हैं ना गाइस बिल्कुल वैसे. तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं सकता अभी भी कि मैं कितना ज़्यादा अभी एक्साइटेड हो रहा हूँ. आई विश कि मैं अगर रिकॉर्ड कर पाता ना गाइस तो सीरियसली मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा यार मैं बता नहीं पा रहा हूँ अभी भी. मैं ठीक से आप लोगों से भी बात नहीं कर पा रहा हूँ अभी, तो घर चलते हैं. लेकिन मैं सीरियसली मैं भी ठीक से बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं सीरियसली बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ. विद यार शी वाज सो हम्बल यू नो, कितनी क्यूट है यार वो, मतलब लाइक आपने देखा ना अभी कितनी ज़्यादा क्यूट है यार वो, मतलब फोटोज़ वीडियोज़ में नहीं एक्चुअल में बहुत ज़्यादा क्यूट है. आई विश कि दिशा पाटनी मेरा वीडियो देखें, बट गाइस सीरियसली यार वो बहुत 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 ज़्यादा क्यूट है यार, बहुत ज़्यादा. कोई नहीं अभी तो हम लोग घर जा रहे हैं, अभी तो मेरे और भी दो तीन डेज अभी और हैं जहाँ पे हम लोग उसका शूट करेंगे. तो अभी एयरपोर्ट के सीन्स हैं और बीच के सीन्स हैं. सो आई विश कि अगर ड्रेस नहीं पहनी उन्होंने, आई विश अगर उन्होंने कॉस्ट्यूम नहीं पहना हो जो मूवीज़ रिलेटेड है तो हम लोग एक वीडियो और फोटो ले सकते हैं. बट चलो देखते हैं, अभी तो हैं थोड़े दिन. सो मेरे जो दूसरे ब्लॉग्स में होंगे ना गाइज, ये बाकी बीच और ये वाला ना मैं दूसरे ब्लॉग में डालूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. सो आप लोग उसमें देखना, ठीक है, बस देखते रहो. और हाँ गाइज अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर देना और कमेंट ज़रूर करना. यार मैं भी क्या बोलूँ अब ना, मैं बस उन्हीं के बारे में बात करता रहूँगा. सो इससे बेटर है मैं वीडियो को अभी यहाँ पर एंड करता हूँ और फिर उसके बाद आपको दूसरे ब्लॉग में मिलता हूँ. सो टिल देन गाइज स्टे सेक्सी, यो बेबी गो बेबी.